और अब मैं अजीत अंजुम के पास चलना चाहता हूँ। अजीत अंजुम कहते हैं, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते क्या हैं लोग, मानते हैं लोग, रो 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 के के बात कहने की करने आदत की नहीं आदत रही। नहीं मेरी, तो हाँ, हिम्मत आदत से नहीं सच रही। कहना हाँ है लोग। दुष्यंत, हाँ दुष्यंत कुमार की बहुत चर्चित लाइन है मुझे जो लगे कि आपने आपने कहा। अपनी टैगलाइन के तौर पर लगा रखी है इसलिए हाँ मैं, हाँ और आपसे तीन चार सवाल है मेरे, लेकिन टेलीविजन में जैसे होता है छोटे छोटे में पैकेज के अंदर ही सारे जवाब दे दीजिएगा। एक तो पंकज जी ने कहा, देखिए रोशनी है और रोशनी की किरण दिख रही है, आपने जिस अंदाज में टेलीविजन अपना यूट्यूब चैनल चलाया है वो बहुत जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट है, तो जनता की बेहद मांग पे वाला वहां चल रहा है कि जबरदस्त गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली के दिन याद आते हैं उसको देख के। लेकिन जो दूसरी बात पंकज जी कह रहे हैं कि लोग पलट रहे हैं, लोग इस निजाम से नाराज हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, इससे उम्मीद बनती है। मुझे एक दूसरी चीज दिखती है, YouTube पर भी तमाम ऐसे लोग हैं जैसे लोगों से परेशान हम टेलीविजन चैनलों में स्टूडियो में हैं, ऐसे ही लोग YouTube पर भी हैं और वो यहाँ भी उसी तरह के कांड करने में लगातार लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है, प्रश्रय भी मिल रहा है यहाँ। और कल को निजाम बदल जाएगा, मान लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि आज मोदी जी की सरकार चली जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, इनकी जगह जो कोई और आके बैठेगा, ये सारे लोग जो आज इनकी प्रशस्ति में लगे हैं वो उनकी प्रशस्ति में लग जाएंगे, तब भी क्या जनता की बात करना इतना आसान हो जाएगा? या जनता की बात करना, अपनी बात करना, जो बात आज आप कर रहे हैं ये करना, ऐसा ही मुश्किल रहने वाला है बल्कि और मुश्किल होने वाला है, और उस चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाएगा? देखिए आपने जो सवाल किया, पहले तो मुकेश जी का धन्यवाद भी कि ऐसे वक्त में ये किताब इनकी आई है। हालांकि लेखों का संग्रह है और मैं देख रहा था मोटे तौर पर इनके लेख 2016, 17 और 18 के शुरुआती महीनों के हैं और इस 2 साल में, बल्कि 2 साल से ज्यादा हुआ, इसमें 3 साल हो गया लगभग। 3 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया है और बहुत गंदा पानी भी बह गया। गंगा कितना प्रदूषित है आप जानते हैं, और जो मौजूदा निजाम है वो गंगा का ही जिक्र करते हैं। उनकी नियत गंगा जैसी जैसी साफ है, इसी तरह की बातों के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, तो नियत और गंगा के जल का रिश्ता क्या है समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुकेश जी बहुत, मेरे ख्याल से कई सालों से, 10 साल से ज्यादा हुआ होगा या 15 साल हुए होंगे, मीडिया पर लिखते रहे। हंस में मैं उनका पढ़ा करता था, हालांकि कई बार लगता था कि हम लोग भी उस आलोचना के शिकार हैं, चूंकि टेलीविजन चैनल का वो दौर था 5, 6, 7, 8 जिसका जिक्र संक्षिप्त में आशुतोष ने किया। टीआरपी के लिए बहुत कुछ ऐसे कंटेंट होते थे जो तब हम लोग भी असहमत होते थे, लेकिन कुछ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ, 2014 और 2014 के बाद। और चूंकि दुष्यंत कुमार से आपने उनके शेर का जिक्र किया और मैंने वही टैगलाइन अपने उसमें लगाया हुआ था ट्विटर पर, तो दुष्यंत की ही एक लाइन है। चूंकि आपने निजाम की बात की, सत्ता की बात की, सुबीर जी ने भी कहा, तो दुष्यंत की ही लाइन है, रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। मौजूदा दौर में ये हुआ कि जो रहनुमा है, सत्ता के रहनुमा, उनकी अदा पर, उनकी हर अदायगी पर, अदा और अदायगी ही बोलूंगा, क्योंकि जब केदारनाथ जाते हैं तब भी ध्यान गुफा में जब होते हैं तो कैमरा सामने होता है और एक अध खुली आंख की नजर कैमरे पर होती है। दुनिया के हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं तो भी नजर कैमरे पर होती है, सदन में होते हैं तो नजर कैमरे पर होती है, और जो कुछ भी होता है बहुत कुछ कैमरे के लिए होता है। और कैमरा किसका है? मीडिया का है, टेलीविजन चैनल का। और टेलीविजन चैनल के लिए उनका हर कुछ कहना, उनकी हर अदा घंटों के प्रोग्रामिंग के लिए मुफीद होता है और वो प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन सवाल उठता है 2014 के बाद मीडिया में क्या बदला? थोड़ा सा जिक्र कई लेखों में मुकेश जी का 17, 18, 19 में है, मैं मोटे तौर पर देख रहा था। लेकिन उसके बाद और ऑफलेट 3 साल में और देखें, और जब हम मीडिया की बात करते हैं, ये सही है कि 2014 के पहले ऐसा नहीं है कि मीडिया में सब कुछ सफेद था और उसके बाद स्याह हो गया, काला हो गया, उसके पहले भी बहुत कुछ था। हम ओम थानवी जी हम लोगों से बहुत सीनियर हैं और हम लोगों से 100 गुना पढ़ा देखा समझा होगा उस दौर को। और हम इमरजेंसी के दौर में, मैं पत्रकारिता में नहीं था लेकिन तब सुनता था कि जब इंडियन एक्सप्रेस मुखालफत कर रहा था, कुलदीप नैयर जैसे लोग थे, बहुत स्ट्रिक्टमैन के रिपोर्टर्स थे, बहुत ऐसे जर्नलिस्ट थे जो इंदिरा गांधी की उस इमरजेंसी की मुखालफत कर रहे थे, प्रेस क्लब में मीटिंग्स कर रहे थे, तब भी खुशवंत सिंह थे जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी के शान में कसीदे पढ़ रहे थे और लिख भी रहे थे, और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे संस्थान में संपादक की नौकरियां भी जा रही।
तो लेकिन गिनती के तादाद में देखें और पत्रकारों की हैसियत के तादाद में देखें तो 2014 के बाद क्या बदल गया। 2014 के पहले भी बहुत सारे लोग होंगे लेकिन वो उनकी तादाद और 2014 के बाद जमीन आसमान का फर्क ये हुआ कि तब अगर कुछ लोग थे तो चिन्हित थे, हम जानते थे कि ये सत्ता के चाटुकार हैं या जिसको कहते हैं किचन कैबिनेट के सदस्य होंगे, किसी के कोटरी के सदस्य होंगे, किसी नेता से इनके अच्छे रिश्ते हैं, वो घोषित तौर पर सर्वविदित थे, वो चेहरे, वो नाम, वो रिपोर्टर। लेकिन 2014 के बाद मुश्किल होगा कि आप पहचान करें, बहुत चंद लोग, कुछ नाम थानवी जी ने गिनाया, ऐसे कुछ लोग और हो सकते हैं रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों में, लेकिन आप ऊपर बैठे लोगों को देखें चैनल्स और अखबारों में तो आपको नजर आएगा कि क्या स्थितियां बदल गई। और उसको ऐसे समझें कि अगर जैसे सही कहा थानवी जी ने पक्षधरता और स्टैंड लेने की बात, मैं तो कहता हूं कि नहीं, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, और आज निष्पक्ष होना ही बड़ा सवाल। वो दिनकर की लाइन है ना, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, और दूसरी लाइन अवतार सिंह पाश की कविता, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। तो बीच और तटस्थ, मुझे तो लगता है ये वक्त ही नहीं है बीच में रहने का और तटस्थ रहने का, क्योंकि आज का दौर जब हाथरस में किसी लड़की के साथ गैंगरेप होता है, उस गैंगरेप के तमाम सबूत सामने आते हैं, आधी रात को लाश जलाई जाती है, 200 400 पुलिस वाले, 4 6 थाने के, 10 थाने के पुलिस वाले वो मौजूद होते हैं, डीएमएसपी जबरन किसी की बेटी की लाश को फूंक देता है, वो परिवार वाला अपनी बेटी के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होता है, उसकी उसका चेहरा नहीं देख पाता है। और तब क्या होता है, एक दिन के बाद दिल्ली से कई मीडिया के नामचीन चेहरे और चेहरे एंकर्स वहां पहुंचते हैं और पंचायत लगाते हैं आरोपियों के पक्ष में, और 7 दिन तक ऐसी लीपापोती होती है, कोशिश होती है कि उस पीड़िता का चरित्रहनन किया जाए। आप जरा सोचिए कि वहां निष्पक्ष रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, स्टैंड लेंगे, क्या करेंगे, और लोगों ने क्या स्टैंड लिया और क्या दिखाया उस दौर में। अगर जो भी एक दो चैनल होंगे है जो अच्छा काम कर रहा होगा और कर रहा था, लेकिन मैं ज्यादातर चेहरों की बात, ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी किसान आंदोलन का जिक्र आशुतोष जी ने भी किया और लोगों ने भी किया, किसान आंदोलन मैंने तो करीब से देखा, 80 दिन 85 दिन से मैं भी कवर कर रहा हूँ। बुरा हाल है कि कोई चैनल का रिपोर्टर, जो जो 5 7 चैनल हैं उनके 50 एंकर और रिपोर्टर और वो चेहरे जा नहीं सकते उनके बीच, माइक आईडी छिपा कर जाते हैं, माइक आईडी हटा कर जाते हैं। और जाते क्यों हैं, क्योंकि वो खोजना चाहते हैं ऐसा कोई लूपहोल, ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई किरदार जिसके जरिए कह सकें कि आंदोलन देशद्रोही लोगों का है, मुट्ठी भर लोगों का है, इनके पीछे किसकी फंडिंग है, इसके पीछे खालिस्तानी है, चीनी है, जो भी है। तो वो इसी कोशिश में बीते 80 85 दिनों से लगे, ये अलग बात है 26 तारीख को कुछ घटना हुई, लेकिन वो नहीं होती तो क्या उन्हें खालिस्तानी और देशद्रोही नहीं कहा जा रहा था? क्या उसके पहले देश के राष्ट्रीय चैनल के 2 3 चैनल्स पर और उसके जो चीफ एडिटर थे उस तरह की मुहिम नहीं चला रहे थे? चला रहे थे, और अभी आप देखें तो उस मुहिम की पराकाष्ठा है। तो सवाल उठता है ये मीडिया की भूमिका अगर हुई तो ऐसी स्थिति 2014 के पहले नहीं थी। 2014 के पहले 11 12 13 14 जितने घपले घोटाले हुए यूपीए 2 का, उसको एक्सपोज मीडिया ने किया। वही अर्नब गोस्वामी, जो मैं मानता हूं कि मीडिया के पतन का रसातल से भी नीचे अगर कोई तल होगा तो उस तल तक पहुंच चुका है वो शख्स और ऐसे बहुत सारे, लेकिन वही उस समय हीरो था। उस समय सारे सारी करतूतों का खुलासा इसी मीडिया ने किया, क्योंकि मीडिया में कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, अगर हो सकता है उनकी सत्ता से सेटिंग हो, लेकिन एक पत्रकारिता में इतना स्पेस था कि आप ऐसे लोग मार्जिनलाइज थे, और जो लोग सरकार सरकार की नीतियों में खामियां उसको एक्सपोज करना चाहते थे उनके लिए जगह थी। आज क्या स्थिति है, मैं तो कहता हूँ यही आंदोलन आलोक जी अगर 2014 के पहले होता, अन्ना आंदोलन से बड़ा आंदोलन है। इस संदर्भ में लोगों की तादाद की बात कर रहा हूँ, लोगों की नुमाइंदगी की बात कर रहा हूँ। जो आंदोलन जंतर मंतर और रामलीला मैदान तक सीमित था, उसमें कुछ हजार लोग वहां रेगुलर होंगे लेकिन ज्यादातर लोग रोज विजिटर थे। यहाँ लाखों लोग दिल्ली की सीमाओं पर 90 दिनों से बैठे हैं, सर्दी गर्मी, सर्दी बारिश ठंड शीतलहर में। लेकिन अगर ये आंदोलन 2014 के पहले होता तो क्या होता, जितने 2 दर्जन चेहरे गिन लीजिए, सारे चेहरे उनके बीच होते, जिमी जिप होता, मल्टी कैम होता, लगातार लाइट और साउंड के साथ शूटिंग हो रही होती, क्योंकि टेलीविजन के लिए अगर उसको तमाशा कहें, अगर उसको इवेंट कहें, इससे ज्यादा इवेंटफुल कलर्स और विजुअल्स टेलीविजन को नहीं मिल सकते जो इन आंदोलन में है। लेकिन उन्हें विलेन खोजना है, उन्हें इनमें खलनायक खोजना है, क्योंकि इन्हें इनमें नायक खोजने का मतलब सत्ता प्रतिष्ठान को नाराज करना है, क्योंकि उनके लिए एक ही नायक है जिस नायक का नाम है नरेंद्र मोदी। उस नायक के बरक्स कोई खड़ा नहीं हो,
उस नायक के नायकत्व को चुनौती न दे, ये जिम्मेदारी मीडिया ने उठा रखी। और जब ऐसी जिम्मेदारी मीडिया ने उठा रखी, मीडिया के बड़ा तबका शामिल है, मैं इसमें कोई एक दो लोग नहीं है, बड़ा तबका है कि मीडिया का तबका, और उस कई बार उसका नाम हटा दे, आपको पता नहीं चलेगा कि संबित पात्रा का ट्वीट है या किसी पत्रकार का ट्वीट है, नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। आज ही जैसे थोड़ा सा आपने जिक्र किया, मैंने भी सुबह लिखा है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो रही है और उसके बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। एक चैनल के एंकर का वीडियो वायरल है जिसमें वो लॉजिक दे रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत या तेल की कीमत बढ़ना क्यों जरूरी है, आपके लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये पैसा खर्च हो सकता है, होता है, और इसलिए जरूरी है, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं 2014 के पहले को ऐसे जस्टिफाई करें? और करता तो सारे पत्रकार उसके खिलाफ होते। आज की स्थिति क्या बदल गई कि बहुत बड़ा तबका एक ही तरफ है, और हम सब चार पांच लोग जो यहाँ दिख रहे हैं, ज्यादातर लोग एक तरह से मार्जिनलाइज है नंबर्स में। ये नहीं कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, आशुतोष की आवाज सुनी नहीं जा रही है, रवीश की आवाज दुनिया भर में सुनी जा रही है, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि नंबर्स में उनकी तादाद कितनी हो गई। यही बहुत बड़ा बदलाव हो गया इस दौर में, और जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो मुकेश जी की किताब है मीडिया का माया जाल, मैं तो कहता हूँ आज की के दौर में सत्ता के सामने रेंगता या सत्ता के सामने सरेंडर करके जमीन पर लौटता मीडिया, ये बड़ा विषय हो गया। उसमें मीडिया की भूमिका इतनी, क्या बोले, कि समाज को बांटने के संदर्भ में कुछ बातें आशुतोष जी ने भी तबलीगी जमात या हिंदू मुसलमान की बातें की, उस पर तो बहुत सारे डेटा कई बार आते हैं कि एक साल में अगर 365 या 300 डिबेट किसी चैनल ने किया तो 80% 90% डिबेट उसको हिंदू मुसलमान पे करना है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है 25 दिन से, लेकिन चूंकि अमित शाह और मोदी और विजय वर्गीय और बाकी लोगों की भूमिका बंगाल में है, क्योंकि ममता बनर्जी से चुनौती है, तो सबके विषय ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी नहीं है उसमें, गवर्नेंस नहीं है उसमें, बीजेपी के वादे या बीजेपी क्या कर देगी ये नहीं है, वहां भी हिंदू मुसलमान है, सबके चैनल पर वही बहस हो रही है, और उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। वो फर्क मिट जाता है कि वो पत्रकार है, पक्षकार है, बीजेपी का प्रवक्ता है। अब जब सरकार का कृषि कानून आया, मैंने देखा एक छोटी सी खबर आपको मिसाल देता हूँ, बिहार में मुजफ्फरपुर में, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले की या 2 महीने पहले की बात होगी शायद, मुजफ्फरपुर में किसी किसान ने गोभी की पैदावार हुई, उसकी फसल ज्यादा हुई और बिक नहीं पाई उसकी फसल, गोभी बिक नहीं पाया उसका, वो हताश होकर अपने खेत में गोभी पर ट्रैक्टर चला दिया उसने। ऐसी तस्वीरें हमने बीते दशकों में कई बार देखी है, नासिक में सड़क पर ट्रैक्टर ट्रक भर के प्याज फैला दिया, ऐसे बहुत बार देखा जब किसी की फसल नहीं बिकती है उस हताशा में, तो गोभी पर ट्रैक्टर का वो विजुअल चला, 1-2 सेकंड 1-2 मिनट का विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अचानक अगले दिन खबर क्या आई, रविशंकर प्रसाद ने उस वीडियो को देखकर किसान को बात की और FPOs के जरिए उस किसान का या उस गांव के किसी किसान का बाकी गोभी आकर दिल्ली में 100 रुपए किलो बिक गया, और ये 10 पत्रकारों ने एक साथ ट्वीट किया, और उन पत्रकार में 5-7 चैनल के एंकर्स है, और बताया कि इस कानून के फायदे क्या है, कैसे वो भी बिक गई उस किसान की जो हताश होकर ट्रैक्टर चला रहा था। लेकिन आप जरा देखिए इसमें लूपहोल्स क्या है, अब वो एक तस्वीर अगर दिखी तो लोगों को लगने लगा बात तो सही है, ये कानून इतनी ताकत देता है कि जिसकी 3 रुपए किलो गोभी नहीं बिक रही थी उसके 80 रुपए बिक गई, लेकिन क्या ये सच है? अगर एक मंत्री ने प्रोपेगेंडा के लिए अगर ताकत लगाकर सिस्टम लगाकर उसकी गोभी यहां बिकवा भी, तो क्या ये बिहार में गोभी पैदा करने वालों की यह हकीकत है? दुर्भाग्य है कि पत्रकार ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं, और सबने किया। ऐसी खबरों की बात करने लगे आलोक जी, तो ऐसी न जाने कितनी खबरें हैं जो देखकर सर पीटते हैं हम लोग, अरे कहां से आए, एक साथ व्हाट्सएप पर सबके पास पहुंचता होगा, कहां से पहुंचता है हम लोग जानते हैं, क्योंकि TV9 लॉन्च कर रहे थे, हमने वो दौर देखा, हमने वो सोर्स भी देखा कि कहां से आता है, कीप दिस नैरेटिव ऑन, और वो नैरेटिव कैसे ऑन हो जाता है, और उसमें सारे चैनल के लोग एक ही तरह से बात करने लगते हैं सुबह 9-10 बजे, तो वो इनसाइडर आउटसाइडर होने के नाते दोनों पक्ष मैं जानता हूँ, आशुतोष जी भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, और आप भी एक सिस्टम का हिस्सा रहे, पता नहीं आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहे कि नहीं, हम लोगों को कभी ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहने लायक माना नहीं गया, इसलिए हम लोग किसी ग्रुप में रहे नहीं, लेकिन देखा, और देख के बहुत ये लगा कि ये दौर, मतलब अच्छा है कि हम लोग निकल गए, और बहुत खुशनसीबी है कि इस दौर को बाहर रहकर देख रहे हैं, अंदर रहकर नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा, और उस टॉर्चर का एहसास जब हुआ तो निकल गए, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक दौर है, और मैं बहुत आशावादी नहीं हूँ, थोड़ा तो हूँ आशावादी इस सेंस में कि हाँ, अगर सरकार समर्थित मीडिया, सरकारवादी मीडिया, मोदीवादी मीडिया, जो भी कहें इसको,
वो अगर बहुत तथ्यों को छिपाने की कोशिश करता है या नैरेटिव बदलने की कोशिश करता है तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है कुछ सालों में, 2-3-4-5 सालों में, कि उस नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव गढ़ सकता है। ये हमने किसान आंदोलन में भी देखा और ऐसे अलग अलग हाथरस मिसाल है, उन्नाव मिसाल है। अभी क्या हुआ उन्नाव में, तो चलिए अभी खबर कुछ देर पहले आ गई कि एक तरफा प्यार का मामला था और उसको जहर दिया गया और जिसमें 2 लड़कियां मर गई है और एक की वो स्थिति है। नहीं तो इसमें भी मैं तो कल ट्विटर पर लिख रहा था कि इंतजार करिए कि 5-6 राष्ट्रवादी चैनल जाकर लड़कियों का चरित्रहनन शुरू करेंगे। तो जहां आप इसी नैरेटिव को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं जो सरकार को सूट करे, इससे बुरा दौर, माफ करिए, इमरजेंसी में भी नहीं था, इमरजेंसी मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा होगा ओम थानवी जी ने, इमरजेंसी में अगर सरकार का अंकुश, सरकार का शिकंजा चैनल तो था नहीं, मीडिया पर था, अखबारों पर था, तो बड़ी तादाद पत्रकारों की मुखालफत करके उनके खिलाफ आवाज बुलंद करती थी। आज आपने स्वतः उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस समय तो थोपा हुआ था, उस समय तो दुनिया जानती थी कि ये इमरजेंसी है और अखबारों पर अंकुश है, आज तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप खुश हैं, आप जिसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, तो आपने सरकार के पक्ष में सेल्फ रेगुलेटरी ऑथोरिटी सरकार को मान के आप रेगुलेट हो गए सरकार के पक्ष, तो इससे बुरा दौर क्या हो सकता है कि आपकी आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के लिए भक्ति भी कर रहे हैं, सरकार की चाटुकारिता भी कर रहे हैं, सरकार के एजेंडे को भी बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और हम पत्रकार हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत चिंताजनक है और मैं इससे बहुत थोड़ा सा नाउम्मीद होता हूँ कि वक्त लगेगा, बहुत आसान नहीं है, जब कुएं में भांग पड़ी है और उस भांग का हर आदमी एक एक लोटा रोज सुबह शाम पी रहा है, तो बाहर लगे चापाकल से हम आप पी के कितना स्वस्थ रहेंगे इसका मुझे अभी अंदाजा नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।